महाराजा कॉलेज के प्रचार के साथ दुर्व्यवहार की बातों को लेकर महाराजा कॉलेज के शिक्षकों ने धरना जारी रखा है, जो आगामी सोमवार तक यह चलेगा। धरना में शामिल शिक्षकों का कहना है कि प्रधानाचार्य के रवैया सही नहीं है, जिसके विरोध में ये सारे लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक कि मान प्रतिष्ठा की सम्मान पर ठेस पहुंचता रहेगा, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये क्या कहेंगे, आपको बोलना होगा, आपको मतलब टीचर को बोलना होगा कि बगैर सूचना को कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, पहला मुद्दा है। इसमें कई सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि ये आरा डीएम के द्वारा, भोजपुर डीएम के द्वारा चुनाव के संबंध में कुछ जानकारियां मांगी गई थी कॉलेज से, शिक्षकों के लिए इंडिविजुअल जानकारी ली गई थी, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी शिक्षकों को विलम्ब से दी गई और इसकी सूचना डीएम को विलम्ब से भेजी गई, जिसके कारण स्पष्टीकरण प्रधानाचार्य से पूछा गया है। इस स्पष्टीकरण से क्षुब्ध होकर प्रधानाचार्य ने शिक्षकों के प्रति ये अपमानजनक शब्द और गाली गलौज शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा मुद्दा है कि बायोमेट्रिक मशीन, पहले हम लोग 7 बजे से जो समय सारणी चल रही थी उसके अनुसार हम लोग आधा घंटा पहले से लगा रहे थे, आज सुबह आने पर पता चला कि इसका समय 6:55 कर दिया गया है। बिना पूर्व सूचना दिए बायोमेट्रिक मशीन 6:55 से लगाए जाने का आज बिना, ये तानाशाही या मनमानी व्यवहार का प्रतीक है प्रधानाचार्य के द्वारा। तीसरा मुद्दा है कि विभागों द्वारा जो भी आवेदन सीएलडीएल का भेजा जाता है उसे प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रधानाचार्य के निर्देश पर स्वीकार नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको रख लिया जाता है और बाद में प्रधानाचार्य के द्वारा उस पर निर्णय लेने में विलम्ब किया जाता है। विलम्ब लेने के अवधि में वो सीएलडीएल की अवधि समाप्त हो जाती है। जब वापस लौट कर हमारे शिक्षक आते हैं, सामान्य शिक्षक आते हैं, तब पता चलता है उनका सीएलडीएल अलाउ नहीं किया गया, सीएल को डीएल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जबरदस्ती और डीएल को जबरदस्ती सीएल में कन्वर्ट करवाया जाता है। तब आगे की क्या रणनीति है? ऐसे भी महिला शिक्षकों के साथ भी इनका रवैया सही नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो आज तक कभी नहीं हुआ था वो महाराजा कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किया है। महिला शिक्षक से एसएल का विवरण मांगा गया, जो मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी कॉलेज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विवरण ही नहीं मांगी गई आज तक, और नहीं तो सभी शिक्षकों के साथ उनका किसी न किसी तरह से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे हमारे सभी शिक्षक मेंटल टेंशन में, ऐसी स्थिति में कॉलेज का जो पठन पाठन का माहौल है काफ़ी दुष्प्रभावित हो रहा है। हमारे शिक्षक जब मेंटल टेंशन में रहेंगे तो पठन पाठन का कार्य कैसे सुचारू रूप से कर पाएंगे? अब आगे की क्या रणनीति है? रणनीति की इसके बाद हम लोग भीसी से मिलेंगे, अगर भीसी के यहाँ हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम कुलाधिपति महोदय से मिलेंगे और जहाँ भी जरूरत होगी हम इसके ऊपर भी जाएंगे।